नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह समाचार और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरुआत से पहले आज राजस्थान समेत देश भर में तैयारियों को लेकर ड्राई इन होगा। केंद्र के निर्देश की पालना में राजधानी जयपुर में इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जयपुर जिले में 4 ड्राई इन सेंटर बनाए हैं जहां वैक्सीनेशन की पूरी रिहर्सल होगी। देश के 4 राज्यों में कामयाब ट्रायल कराने के बाद केंद्र सरकार ने अब पूरे देश में ड्राई रन कराने का फैसला लिया है। ये ड्राई रन 2 जनवरी यानी आज से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ करवाया जाएगा। ये ड्राई रन केंद्र सरकार ने राज्य की राजधानियों में करने के लिए कहा है। केंद्र के निर्देशों की पालना में राजधानी जयपुर में 4 सेंटर पर आज सुबह से ड्राई रन का आयोजन होगा। जयपुर के कालवा रोड पर ड्यूटी कर रही पुलिस कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वायर टीम की 2 महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि निर्भया स्क्वायर टीम की महिला कांस्टेबल प्रेमलता जाट और माया के साथ अभद्रता की गई है। नववर्ष की पूर्व संध्या को वह झोटवाड़ा की चित्रकूट कॉलोनी में गश्त कर रही थी। वहां कुछ युवकों ने स्थानीय युवतियों से अभद्रता करने की सूचना पर दोनों पुलिसकर्मी वहां पहुंची। वहां मौजूद आर्यन और अभिषेक नाम के युवक को समझाने का प्रयास किया गया तो दोनों लड़कों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की। महिला पुलिसकर्मियों की सूचना पर झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई। जयपुर में आगरा बाईपास पर बस्ती के आगे राजा धोग टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर एक कार में आग लग गई। गनीमत ये रही कि उस कार में लगी LPG किट की टंकी फटने से बच गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग की सूचना पर बस्ती फायर स्टेशन से पहुंची दमकल की गाड़ी की मदद से आग को बुझाया और उसमें लगी LPG टंकी को तोड़कर LPG पर फॉर्म का छिड़काव करवाया गया। कार चालक शिवराज मीना ने बताया कि वह अपनी वैगनर कार में अपने गांव श्यामपुरा से बस्ती की तरफ जा रहा था। इसी बीच रास्ते में गाड़ी के बोनट से धुआं उठना देख गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर जब तक बोनट खोलते उससे पहले ही गाड़ी ने आग पकड़ ली। इसे देख वह गाड़ी से दूर चला गया और फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। वहां पहुंची पुलिस ने हाईवे पर वाहनों की भीड़ को देखकर यातायात को डायवर्ट करवाकर दूसरी लेन से संचालित करवाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रही भारतीय टीम से रोहित शर्मा समेत 3 खिलाड़ी जुड़ गए हैं। चोट के कारण सीरीज से बाहर हुए उमेश यादव की जगह टी नटराजन और मोहम्मद शमी की जगह शार्दुल ठाकुर को 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने शुक्रवार को ही इसकी घोषणा की। दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर होगी। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का दूसरा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। इसमें टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीती थी। सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी को सिडनी और आखिरी टेस्ट 15 जनवरी को ब्रिस्बेन में होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।